everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi and welcome to Fashion Ninja. So this video is going to be a haul video in which I have purchased so many sandals from Ajio, जिसमें mules हैं, flats हैं, heels हैं, हर तरीके की है. तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना. Ajio पे भी चल रहा है द बिग बोल्ड सेल, उसमें ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पड़े हैं और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ऑसम आई है. तो एक एक करके इसका रिव्यू करते हैं. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. ये रहे मेरे लेटेस्ट परचेज. तो एक एक करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये कोल्हापुरी चप्पल है, ये देखो टेंटन है, ये देखो इसकी क्वालिटी एंड इसका लुक. हाय मैं मर जावा. बहुत ही अच्छी क्वालिटी और लुक वाइज देखो कितना ब्यूटीफुल है ये, है ना. ये रोज गोल्ड कलर का एक कोल्हापुरी चप्पल है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. मतलब मुझे तो देखते ही मैं इतनी खुश हो गई ना, इतना खूबसूरत. अभी तक मैंने कोई भी फ्लैट्स अपने लिए परचेज नहीं किया था. आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लुक एंड द क्वालिटी. क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये देखो. सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे पूरे में ओवरऑल आपको कुशनिंग मिलेगी. आपको स्टिफ सैंडल वगैरह नहीं पहन पाती तो ये आपके लिए है. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है एंड आई एम इन द साइज 39. ये देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये सारे जितने भी आप फैब्रिक यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें जितने भी यूज हुए ये सारे एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे कोई भी प्रिंट नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है और इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाती है. और यहाँ पे देखो इस तरीके से लाइट पिंक कलर के पॉम पॉम की डिटेलिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक दे रहा है. और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्रेडेड स्ट्रैप है, ये देखो. मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ डिटेलिंग आपको मिलेगी. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्राइस रेंज के हिसाब से ऑसम है. मतलब मुझे आई थिंक 550 की पड़ी है सेल में, तो ये उस हिसाब से मुझे क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी. और इसका ब्रांड है मार्क लॉयर. ये ब्रांड मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी. अब मैं आगे भी फर्दर परचेज करती रहूँगी इस ब्रांड से. ये देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. और इसके बैक में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इन्होंने कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया है. ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये देखो. और यहाँ पे हल्की सी हील आपको दिख रही होगी, ये देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. इम्प्रेस्ड से भी ज़्यादा आई एम सुपर हैप्पी कि मेरे पास कुछ ऐसा आया है. आप इसको ज़रूर परचेज करिए अगर आपको इस तरीके के फ्लैट्स की ज़रूरत है. आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है. दिस इज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड फ्लैट. ये देखो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया है. इसकी पैकेजिंग से तो आई एम नॉट सुपर हैप्पी बट देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है. ये देखो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मैक्स. ये एक वाइट एंड न्यूड कलर के कॉम्बिनेशन में एक फ्लैट है. ये देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी भी. न्यूड कलर की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि आप इसको आँख बंद करके किसी भी अपने आउटफिट के साथ पेयरअप कर लो, ये बुरी नहीं लगेगी. क्योंकि आप अगर कोई पर्टिकुलर कलर अपने लिए परचेज कर लेते हो तो वो आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो कि हाँ इस ड्रेस के साथ ही ये चलेगी. लेकिन ये न्यूड कलर्स का एक फ़ायदा ये है कि ये किसी भी आउटफिट के साथ ईजिली पेयरअप हो सकता है. अब मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली हील्स या फिर फ्लैट्स जो भी खरीदूँ वो न्यूड कलर में लूँ. ये देखो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से लाइट पिंक कलर का शेड है. यहाँ पे वाइट एंड इन बिटवीन इस तरीके से गोल्ड पाइपिंग की डिटेलिंग हो रखी है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड दिस इज़ रियली कंफर्टेबल एट द सेम टाइम. और यहाँ पे इस तरीके से आपको बकल के साथ स्ट्रैप मिल जाता है ताकि आप इसे पीछे से टाई अप कर पाएँ. ये आपके पैर को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है. इसमें भी मेरा साइज़ 39 है. और ये इसके बैक में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है. ये बिल्कुल प्लास्टिक नहीं है, जो कि अच्छी बात है. बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और इसकी भी कुशनिंग बहुत ही अच्छे से हो रखी है. इसमें कोई भी रफ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है. बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी है इसकी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ये भी आई थिंक मुझे 400 के अंदर ही पड़ी है. तो ये सारे सैंडल्स तो मेरे लिए तो स्टील ही नहीं थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल ब्लैक कलर म्यूल्स. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड खादिम्स एंड आई एम इन द साइज 6 एज यूजुअल. ये देखो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा स्टेडी है. बिल्कुल ऐसी घटिया क्वालिटी नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. अगर आप 600-700 पे कर रहे हो तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी 2000 वाली है सच में. ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वेलवेट की फैब्रिक को यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये भी. इसे मैं एक दो बार पहन चुकी हूँ, उसके बाद मैं रिव्यू कर रही हूँ कि इसको पहनने के बाद भी अगर आप 3-4 घंटे भी आप खड़े भी रहते हो ना तो बिल्कुल ही डिस्कम्फर्ट आपको नहीं होने वाला है. इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी. और खादिम वैसे भी ब्रांड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने कम्फर्ट के लिए.
और इसका जो हील है वो बिल्कुल ब्लॉक हील है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं इस तरीके से पॉइंटेड हील्स ज़्यादा देर पहन नहीं पाती हूँ। हील्स वैसे भी मैं पहन भी नहीं पाती हूँ, मेरे पास मोस्टली फ्लैट्स ही मिलेंगे आपको, बट मैं जब भी हील्स लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉक हील्स लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। और इसके भी बैक साइड में इस तरीके से स्ट्रैप है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो, जो आपके लेग्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। यहाँ पे फ्रंट में भी इस तरीके से डिटेलिंग हो रखी है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये थे तीनों सैंडल्स जो मैंने आजियो से परचेज़ किए थे। आपको इनमें से कौन सा वाला पसंद आया अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी वो मार्क लॉयर वाला जो कोल्हापुरी चप्पल था वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।